नमस्कार, RNFI सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप अपना बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। जेरोक्स कॉपीज या स्कैन कॉपीज नहीं होने चाहिए। ओरिजिनल हार्ड कॉपीज आपके पास होने चाहिए। बैंक अकाउंट डिजिटली ओपन करने के लिए आपके पास आधार OTP का एक्सेस होना चाहिए, अर्थात आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लिक टू प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आप एक्सिस बैंक के पोर्टल पर आएंगे। नीचे दिए गए ओपन नाउ बटन पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप अपना पैन नंबर एंटर करेंगे। ध्यान रखें कि आप अपने करेक्ट पैन कार्ड डिटेल्स एंटर कर रहे हैं। आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। मेक श्योर करें कि आप अपना करेक्ट आधार नंबर एंटर कर रहे हैं एंड 10 डिजिट मोबाइल नंबर आप अपना वो एंटर करेंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। आई अग्री बटन पर क्लिक करेंगे एंड आपके पास UIDAI से एक OTP आएगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा। UIDAI से OTP आने के बाद आप यहां वो एंटर करके कंफर्म OTP बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। OTP वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। यहां पर आपको अपना अकाउंट सेटअप करने के लिए आपको अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन टाइप, सोर्स ऑफ फंड्स, एंड आपकी एनुअल इनकम, अर्थात आपकी पूरे साल की इनकम। सब डिटेल्स करेक्ट एंटर करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। डिटेल्स कंफर्म करने के लिए आप कंफर्म बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहां पर सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब आप अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, जैसे आपके पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम इत्यादि। यदि आप नॉमिनी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं तो आप नॉमिनी की करेक्ट डिटेल्स एंटर करेंगे एंड आपका क्या रिलेशनशिप है उस नॉमिनी के साथ। नीचे दिए गए ड्रॉपडाउन में से आप सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। यहां पर आप नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल के एंटर करेंगे। आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब आप अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन डालेंगे। एड्रेस डिक्लेरेशन के टाइम आप मेक श्योर करें कि आप एक लैंडमार्क जरूर एंटर कर रहे हैं। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप वीडियो वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। मेक श्योर करें कि जब वीडियो वेरिफिकेशन के टाइम आपका फेस प्रॉपर लाइटिंग में है।
क्लिक हियर टू स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी बटन पर क्लिक करके आप अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। मेक श्योर करिए जब आप वीडियो केवाईसी अपना कंप्लीट कर रहे हैं आपका फेस क्लियरली विजिबल हो, अर्थात लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। हमारे एजेंट आपसे जो क्वेश्चंस करे आपको वो क्वेश्चन आंसर करना है। वो आपसे आपका पैन कार्ड पूछ सकते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड क्लियरली रीड आउट करना है। यदि वो आपसे आधार कार्ड पूछे तो आपको अपना आधार कार्ड का नंबर क्लियरली रीड आउट करना है। आपके पास क्लियर एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। आपका वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। नीचे दिए गए फंडिंग चार्जेस पर आप एड ओनली डेबिट चार्जेस फॉर नाउ पे क्लिक करके आपका टोटल अमाउंट 590 रुपीज इस पर क्लिक करेंगे। ये डेबिट कार्ड आपके रेजिडेंस एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। आपको बस 590 रुपीज का अमाउंट पे करना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।